स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। श्री शिव शक्ति रामलीला क्लब से जुड़ा हर कलाकार व इसका सदस्य बिना कोई पेमेंट आदि लिए श्री रामलीला मंचन के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करता है। मंचन के आरंभ होने से एक माह पूर्व ये लोग श्री रामलीला की तैयारी में जुट जाते हैं, देर रात जागकर अभ्यास करते हैं तथा दिन में मंचन के लिए लोगों से सहयोग एकत्रित करते हैं तथा व्यवस्थाओं में जुटे रहते हैं। फिर आ जाता है श्री रामलीला मंचन का दिन, फिर ये कलाकार देर रात्रि तक जागकर किसी न किसी पात्र की भूमिका करते हैं, जिस हेतु ये लोग शाम के 6 बजे ही रामलीला मंच पर एकत्रित हो जाते हैं और अपने आप को मेकअप व ड्रेसअप होने में लग जाते हैं। क्लब के सदस्य भी इस दौरान 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं तथा व्यवस्था आदि करते हैं। बदले में ना तो कलाकार और ना ही क्लब का कोई सदस्य कोई भी इच्छा पालता है, बस निस्वार्थ भाव से ये लोग लगे रहते हैं। श्री रामलीला के अंतिम दिवस क्लब के पदाधिकारी अध्यक्ष धर्मपाल सैनी जी, डायरेक्टर भगीरथ राम मंगत राम सैनी व अन्य पदाधिकारी क्लब से जुड़े कलाकारों का हौसला बढ़ाने के लिए उन्हें सम्मानित करते हैं। इस बार भी यही हुआ। समापन के दिन पर कलाकारों को सम्मानित किया गया। बाल कलाकार से लेकर वरिष्ठ कलाकार को स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया गया। क्लब के सदस्य समेत मंचन में सहयोग करने वाले वरिष्ठ नागरिकों, समाज सेवी संस्था के लोगों को भी सम्मानित किया गया। आइए आज हम देखते हैं समापन के अवसर पर आयोजित किए गए कलाकार सम्मान दिवस की कुछ झलकियां। देखते हैं कलाकारों को उनके सामान्य वेशभूषा में। मैं आपसे यह भी चाहूंगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर कलाकारों का हौसला बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ संदेश अवश्य छोड़िए। तो देखते हैं कलाकारों का सम्मान। ये काज परसों से चल रहा है, ये काज कौन कराता है, कौन करता है, हम जानते भी हैं नहीं भी जानते। हम एक महल को देखते हैं, सुंदर महल, उसकी अटारी पर लगे हुए सोने के कलश को देखते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, प्रत्येक चीज पर ध्यान नहीं देते उसकी नींव में क्या लगा है। जो पत्थर उसकी नींव में लगे हैं उस महल को उठा रखा है वो लोग होते हैं किसी भी क्लब की सभा। और जो सबसे पहला पत्थर होता है जब नींव रखी जाती है वो हमारे पूर्व तो नहीं कहूंगा क्योंकि अब उनकी अवस्थाएं ऐसी होती है कि वो समय नहीं दे पाते। हमारे एक ऐसे ही साथी हमारे बीच में है, श्री मेहरचंद सैनी जी। मैं मास्टर जी से निवेदन करूंगा उन्हें सादर लेकर आए और एक राम जी का चित्र स्मृति पूर्वक उन्हें भेंट करें। एक पट्टिका उन्होंने 100 रुपए की राशि क्लब को दी है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जाने की उसमें लगे हैं, एक आधा घंटा और मांग रहे हैं, इच्छा आपकी है। सम्मान के मोहताज नहीं, बहुत ही प्रभु राम जी के प्रति इनकी श्रद्धा है, पूरा परिवार प्रभु राम जी की सेवा में समर्पित है। इन्होंने मेरे ख्याल 1 माह से घर का कोई काम नहीं किया। आंसुल घर के बारे में पता है, उन्होंने 1,60,000 रुपए हमें दिए, इकट्ठा करके अपने फॉरन से मंगाए, तो ये इन्हीं की प्रेरणा है वीरेंद्र जी की। और ये मानते हैं कि भगवान राम की मुझ पे बहुत असीम कृपा है। आइए वीरेंद्र जी प्लीज। कलाकार हैं, अपनी कलाकारी के साथ साथ स्टेज का भी ध्यान रखते हैं, व्यवस्था का ध्यान रखते हैं, मेकअप का ध्यान रखते हैं। ताली बजा दीजिएगा प्लीज, ताली। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की। उनसे विदेश से इन्होंने ये पैसे मंगाए हैं, हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। विदेश से अंग्रेजों से उन्होंने, जैसे रामानंद सागर जी की रामायण में अरविंद जी ने रोल किया है, बिल्कुल उसी स्टाइल में इन्होंने रोल किया। प्रवीण सैनी जी राम के बहुत बड़े भक्त हैं, ये दिल्ली नौकरी करते हैं, रोडवेज में ड्राइवर हैं, कुशल ड्राइवर हैं, लेकिन विभीषण जी के रोल भी उन्होंने किया और जनक का रोल भी उन्होंने बहुत अच्छा रोल किया, बहुत। और साधु रावण का रोल, बहुत अच्छा साधु रावण का रोल किया।
दीवान जी हैं जो इन्होंने कई साल कम से कम 14 साल पर वो राम जी का रोल भी स्टेज भी किया। स्पष्ट मेघनाथी लगते हैं और बाणासुर का रोल भी इन्होंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मेघनाथ बहुत ही महान योद्धा थे। रोल करके बस छुट्टी, इनको जो भी रोल दे दे। राकेश जी बहुत अच्छे कलाकार हैं, इन्होंने भरत का रोल भी बहुत बेहतरीन तरीके से स्टेज भी किया। राकेश जी हमारे पूर्व डायरेक्टर थे, राजकुमार जी उनके सपुत्र हैं। ये 10 दिन ऐसे निकले मेरे कि मैं शायद रोल करने नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ आकर मुझे ऐसी शक्ति मिली कि मैं ये रोल कर पाया, और ये आपका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा कि मैं ये रोल कर पाया। लेकिन आपसे मेरी एक प्रार्थना है कि आप जो हमारा हिंदू धर्म है वो ऐसा धर्म है कि जिसकी मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। हमारे धर्म का कई जगह मजाक भी उड़ाया जाता है, लेकिन आपसे यह कि आप उनका सम्मान करना सीखे। हमारे धर्म में सभी को इतना सम्मान दिया जाता है कि चाहे कोई स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, सबको सम्मान दिया जाता है। यहाँ तक कि हमारे धर्म में ये कहा गया है कि रामायण का एक सार है कि यदि रावण में एक बुराई भी थी लेकिन उसमें 100 अच्छाइयां होने के पर भी उसे ऐसी मृत्यु मिली कि आज तक उसका पुतला फूका जाता है। हमारे धर्म में कहा जाता है कि यदि आप में 100 बुराइयां होने के बाद भी एक भी अच्छाई है तो आपको बहुत सम्मान दिया जाता है। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना यही है कि आप अपने हिंदू धर्म का सम्मान कीजिए और अपने धर्म को सूरज की तरह समझाइए। वीडियो बनाने में भी इन बच्चों का साथ दे रहे हैं, भगवान की कृपाएं पे बनी रहे। सभी जानते हैं, इनके नाम से ही प्रसन्न हो जाते हैं लोग। ताली बजाइएगा प्लीज। नहीं, तकरीबन हमें देखा है डांसर हमें परेशान करते हैं, लेकिन ये इतना अच्छा, कोई परेशानी नहीं, बड़े शांत भाव से। ताली बजाइएगा प्लीज। हम इनका भी धन्यवाद करते हैं, आभार में लगवाई और पूरा पूरी स्टेज पे रहे, रोल किए, शांति भाव से रोल किया। हमने कहा कि हम इसके साथ। पहली बात यह है कि मैं अपनी तरफ से ना श्री शक्ति माँ सीताराम योगा क्लब की तरफ से और अपना श्री सतपाल शर्मा की तरफ से मैं बहुत बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि इन्होंने हमारा प्रोग्राम जो है ना ऑनलाइन दिखाया है, ठीक है, और उसकी बहुत 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 इनकी तरफ से मेरे धन्यवाद। कैसे हो गया यार, एक प्राइज है, फिर दिमाग में आया कि नहीं भी मास्टर जी ने तो अपना नाम कैसे बोलना था, तो मैं फिर निमंत्रण दूंगा माननीय मास्टर श्री मंगल राम जी को। हमारे बेहतरीन कलाकार हैं, गायक हैं, इन्होंने बहुत अच्छा रोल किया। मैं यहाँ सामने बैठा था, उसमें बहुत सारे रोल किए, और वैसे भी ये लड़का बहुत एक्टिव है। अगर हमने कहा भाई मोटरसाइकिल पे लेकर डांसर को लेके आना हो, अगर वो रूप बनाता है, वो मेकअप बनाता है। मोहन जी इन्होंने बहुत सारे रोल किए हैं, जब डांस होता है इनका मन करता है बहुत ही तकदीर को जय श्री राम। बहुत खूब, बहुत खूब है, और शायद मेरे ख्याल ये लड़का पढ़ा लिखा भी बहुत है, बहुत अच्छे इशारा किया नहीं और तैयार, वही वेशभूषा डाल के और स्टेज पर तैयार। ये हमारे निर्देशक जी की घोषणा है और अवश्य होंगे, क्योंकि जो मेघनाथ का रोल रोशनलाल जी करते हैं, प्रभु राम जी के चरणों में उनकी भक्ति में समर्पित है। 500 रुपए आज फिर हमारे धर्मपाल सैनी जी नवाब जी के इस स्तुति थी, ये सुनी, ये देखिए कितने अच्छे ढंग से इन्होंने बजाई। ऐसे कलाकार ने गाया जिसको कुछ नहीं आता, लेकिन इन्होंने इतना सुंदर बजाया, बहुत अच्छा लगा। ये बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा कलाकार है, पहली बार स्टेज पे है। हमारे यहाँ जो भी लड़के काम कर रहे हैं भक्ति भाव से करते थे, बिल्कुल सात्विक तरीके से आते हैं, स्टेज के लिए अपनी ड्यूटी दिन रात दे रहे हैं, यही भोजन करते हैं, और इन बच्चों ने बड़ी अनुशासन, क्योंकि ये माइंड हो गई है। ताली बजाइए प्लीज, बहुत कृपा होगी आपकी। सतपाल जी प्लीज, सभी बच्चे बारी बारी आए, इनसे हमारे स्टेज की शोभा बनती है, ये खुद ही प्रसन्न होते हैं,
इनके माता पिता भी प्रसन्न होते हैं, वो इसलिए प्रसन्न होते हैं कि प्रभु राम जी के स्टेज पे हैं, प्रभु राम जी की कृपा इन पे बनी रहे, ये संस्कार लेके जाते हैं स्टेज से। हमारे सतपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, वो हर एक सीन को अपने स्टेट न्यूज पे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यूट्यूब पे हमारे जो लड़के बैठे हैं अंशुल गर्ग जी की टीम है और भगवान से प्रार्थना है कि जीवन में तरक्की करें, जब बड़े होंगे फिर ये बताया करेंगे। स्वरूप है वो बड़ा सौम्य है, देवी जैसा है, ये बच्ची हमेशा मुस्कुराहट में रहती है, ये भगवान का आशीर्वाद है इसको, ये खुश रहती है। आगे आने की इच्छा नहीं रखते, ना अपने नाम की इच्छा रखते हैं, जैसे भी उनको आदेश होता है, आदेश तो वही देते हैं, वैसे प्रभु लीला का पूरा कार्य, जैसे पैसे इकट्ठे करने होते हैं 2 बजे आके बैठ जाते हैं वर्मा जी की दुकान पे, किसी को बुलाना है, किसी को कोई सामान लेके आना है, ये इनकी व्यवस्था है, जब रिहर्सल उधर रिहर्सल होती है उधर ये व्यवस्था बनाए रखते हैं। तो इस कार्य में बहुत से सहयोगी हैं, हमारी सभा है और हमारी सभा में इस बार 3 ऐसे महान व्यक्तित्व के स्वामी आए जिन्होंने बहुत ही लगन के साथ प्रभु राम जी की सेवा की है। उनमें सबसे पहला नाम मैं बुलाऊंगा हमारे सनातन धर्म सभा के प्रधान भी हैं सुधीर अग्रवाल जी, वो प्लीज। उसके साथ ही गगन गोयल जी और सचिन जी, तीनों प्लीज स्टेज पे आ जाएं, इन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया है। सुधीर गगन जी सचिन जी पूरी व्यवस्था का ध्यान रखते थे, जितना ये सामान अगर हमने दिन में कह दिया अभी ये सामान चाहिए, जमुना नगर कार लेके अपनी कार, हमसे कोई पैसा नहीं लिया, सारा सामान लेके आते, दिन में हमारे वीरेन जी का सहयोग करते, दिन में हमारे कहने के अनुसार काम करते, स्टेज पे बैठे रहते हैं, स्टेज की व्यवस्था देखते, आप सभी को भी आगे पीछे अगर कभी करना पड़े वो भी करते, इतने अच्छे ढंग से इन्होंने कार्य किया, प्रभु राम जी की कृपा इन पे बनी रही और हम सभी कलाकार इनका धन्यवाद करते हैं। आए नहीं क्या सुधीर तो गगन गोयल जी वो भी नहीं, तो सचिन जी हमारे बीच हैं, उनका जो स्मृति चिन्ह एक हम इनको देना चाहते हैं, उनका स्मृति चिन्ह उनके घर पहुंचा दिया जाएगा। बहुत धन्यवाद, सचिन जी बहुत ही एक्टिव है, ये रिपोर्टिंग भी करते हैं, अखबार में भी हमारी लीला का वर्णन करते हैं, तारीफ करते हैं हमारी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगा अपने सतपाल शर्मा जी को, जिनके हम क्या कहें इनके बारे में, एक भगवान राम का चित्र है, एक आशीर्वाद है और जो हमारे पास को देने को है नहीं, इनकी भूमिका इस लीला में ए से लेकर जेड तक अलग अलग देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सतपाल जी, इनका तो पूरा परिवार प्रभु राम की सेवा में समर्पित है, सभी धर्म कार्यों में समर्पित है। अब मैं निवेदन करूंगा अपने नरेश बख्शी जी को, मैंने इनकी देखो इतनी तीव्र बुद्धि देखी है, अगर मैंने यहाँ से अनाउंस किया भी यहाँ भीड़ है, बस एक सेकंड में बख्शी जी वहां खड़े और लोगों से रिक्वेस्ट करके पीछे किया, दिन में कभी भी अगर कुछ कह दिया तो पसीना ने भी अब दोबारा कहने की जरूरत नहीं रही। ये श्री शिव गणपति सेवा मंडल के प्रधान भी हैं, बहुत अच्छे ढंग से उस मंडल को चला रहे हैं हमारे सतपाल जी, और ये उनके आगे अगर नहीं है बाकी पूरी जो टीम है इनकी वो भी इनके साथ है, तो बहुत बहुत धन्यवाद बख्शी जी, हम आपके आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी। कि अगर आपने सोनू जी का सम्मान नहीं किया तो फिर देखना सोनू जी के लिए ताली।